वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मैडनेस। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मजे में भी होंगे। फॉर मोर डिलीशियस एंड ट्रेडिशनल रेसिपीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा मजेदार सी रबड़ी, और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार हो जाएगी, बल्कि इसमें समझे सिर्फ थ्री इंग्रेडिएंट्स ही डल रहे हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो जो है वो दूध ले लिया है, इसको मैंने बॉयल करना है, और इसको बॉयल आने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे कर जो भी इस पर ऊपर बलाई आती जाएगी उसको मैंने सिर्फ साइड पर लगाना है। हर थोड़ी देर बाद जो है मुझे इसमें जोश आएगा और जो भी ऊपर झाग और बलाई आती है उसको मैंने इसकी पतीली की दीवारों से लगा देना है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह मैं जो है वो चमचे की मदद से बलाई को दीवार से लगा रही हूँ, और आखिर में मैं चमचा दूध के अंदर ही डिप करके साफ़ कर दूँगी ताकि इस पर कोई बलाई ना रह जाए। हमने तकरीबन सारा दूध खुश्क कर लेना है, और अगर हम समझें कि दूध के 10 हिस्से थे तो उसमें से सिर्फ 1 हिस्सा बचना चाहिए। उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून डाली है इलायची पाउडर और 100 ग्राम खोया, उसमें हम शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद ड्राई कर लेंगे। खोया शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से चमचा भी चला देंगे ताकि खोए की कोई पिक्सल्स जो है वो इसमें ना रह जाए। और आप ये देखेंगे जैसे ही आप खोया इसमें शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी सी जो है इसकी शक्ल नज़र आने लगेगी आपको, बिल्कुल रबड़ी स्टाइल में। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैंने 1/2 कप ली है, आप एस्पर टेस्ट ले सकते हैं। और अब हमने जो दीवारों पर सारी बलाई लगाई थी वो अब हम उतारेंगे, क्योंकि इसी की मदद से लच्छे बनते हैं। तो हम ये जितना ज़्यादा आप बलाई दीवारों पे चिपकाएंगे उतने ज़्यादा लच्छे बनेंगे। इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप एक खुले पैन के बर्तन में दूध बॉयल करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मलाई आएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसके कवर्स के साथ लगा सकते हैं। ये बिल्कुल मैं ड्राई कर लूँगी, बिल्कुल रबड़ी की फॉर्म में आ जाएगी, और हमारी रबड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। चलें इसे डिश आउट करते हैं। मैंने अभी ये थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि थोड़ी क्वांटिटी में कितनी बनती है। आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, अप टू योर गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप इस पर जो है गार्निशिंग भी कर सकते हैं। मैं इस पर लगाने वाली हूँ चांदी के वर्क, आप चाहें तो पिस्ते, बादाम, अखरोट वगैरह जिससे चाहे गार्निशिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।